धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह बेफरा नई सुबह एक नई सुबह नहीं वे सोनिया तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर और खुश आमदी जनाब वलीमा है आज आयशा का नदीम के साथ वो एक अल्लाह ताला ने एक फर्ज अपने माँ बाप के सर पे रखा होता है बेटी जब पैदा होती है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो तमन्ना और आरजू होती है वो भी अपने घर जाने की होती है जैसे कि पहले दिन से उसे बताया जाता है तुम्हारा एक और घर है एक दिन तुम अपने घर जाओगी जब अपने घर जाओगी तो फिर तुम ऐसे करोगी तो सब ख्वाब सब अरमान सब ख्वाहिशें जो हैं वो उसी घर के हवाले से जोड़ती है जो आज उसका होता है फाइनली आज वो उस घर को देखती है कि अच्छा ये है वो घर जिसकी मुझे हमेशा से बताया जा रहा था ये है वो जगह जो कि हमेशा से मेरी थी जहाँ मैंने आना था और ये है वो आंगन जो कि मेरे नसीब में लिखा था और फिर वहाँ की खुशियों से वो अपना नाता जोड़ती है वहाँ के गमों को वो अपने गम समझती है अपने दुख समझती है वो जो कल तक उसके अपने थे वो पराए हो जाते हैं उसे जब जाना होता है उस घर में जहाँ उसने आँख खोली होती है तो उसे ये कहना पड़ता है क्या मैं अम्मी अब्बू के घर चली जाऊँ क्या मैं आज अम्मी के घर चली जाऊँ वो उसका अपना घर नहीं रहता वो अब अम्मी का घर बन जाता है और ये घर उसका अपना घर होता है इस घर की सुबह ही एक फर्क सुबह होती है उस दिन जब आपकी आंख खुलती है तो एक नामानूस सी जिसे कहते हैं ना आवाजें होती हैं वो आवाज ही नहीं होती जो आपने जिंदगी भर आंख खोलते हैं आपको अपने घर की आपको सुनाई देती है ना आप सारी जिंदगी जिस खुशबू से मानूस होते हैं ना सारी जिंदगी जिस तरह की रोशनी जिस तरह के माहौल से मानूस होते हैं उस दिन आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक नई जिंदगी एक नई दुनिया एक किसी और दुनिया में जो है वो आ गए हैं लेकिन यही औरत की जिंदगी है और यही उसकी खूबसूरती है कि वो इन तमाम मुश्किलात और जिंदगी के मुश्किल फेजेस में से गुजरने के बावजूद जीती है नए अपने जीवन साथी को अपना मानती है उसके साथ रिश्ता जोड़ती है खूबसूरती से लेके चलती है उसे नए रिश्तों को वजूद देती है उन्हें अपनाती है और ये औरत की जिंदगी का एक इतना जबरदस्त और इतना बड़ा संगे मील है जिसकी ख्वाहिश हर औरत को रहती है सो अल्लाह ताला ने एप्लस को भी तौफीक दी हमने आयशा को कल रुखसत किया और ये तमाम आप जो है आज वैसे हमेशा जब वलीमे का हम शो कर रहे होते हैं ना तो एक उदासी से होती है मामा जी आज खास तौर पे बहुत उदास है शादी खत्म बस ये हाल हो जाता है कि बस रौनक खत्म होने ये होता है कि सब अपने अपने घर चले जाएंगे सबसे पहले ये बात जो मिलते थे उनकी जुदाई होती है दुल्हा दुल्हन भी अपने जिंदगी मसरूफ हो जाती है लेकिन जो हम कजन जो मिल रहे होते हैं ना उसकी जुदाई सबसे ज्यादा दिल से आता है हालांकि दो तीन दिन रहते हैं सब लोग फैमिली के लेकिन उसके बावजूद वो हंगामा नहीं रहता लेकिन ये एक नए रिश्ते की नई सुबह होती है आज एक नई सुबह में आयशा और नदीम के रिश्ते की नई सुबह है पहली सुबह है जो हमेंगे महब हो जाएंगे जो हमारी दुआ है कि बड़ी मजेदार हो जबरदस्त हो लेकिन लेट्स सेलिब्रेट इनकी आज यहाँ पे आमिर चले जी बहुत प्यारी लग रही है आयशा बहुत प्यारी बहुत डॉली 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 का बड़ा जबरदस्त क्रेडिट लग रहा है डॉली का ड्रेस भी बहुत खूबसूरत भी बहुत आया माशाल्लाह और तैयार भी बहुत अमूमन वलीमे की ब्राइड सारा ज्यादा अच्छी लगती हैं अमूमन वलीमे पे ब्राइड ज्यादा अच्छी लगती है इसकी वजह क्या होती है पिया जी का प्यार लेकिन पिया जी की खुशी भी होती है अपनी चीजें अपना बेडरूम अपनी चीजों की बहुत खुशी भी होती है और उसके साथ ये जो तैयार हुई है माशाल्लाह आयशा जिस तरह की उसने ज्वेलरी पहनी हुई है जितना प्यारा डॉली ने ड्रेस उसके लिए वो किया है डिजाइन किया है उसको पहनाया है जितना अच्छा मेकअप किया है सो जबरदस्त अच्छा चले लेट्स सेलिब्रेट जी आयशा की आज वलीमा है नदीम भाई के साथ एंड वी विल सेलिब्रेट इट लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं हम आपको कहेंगे आयशा के और नदीम भाई के वलीमे में जिसमें सबसे ज्यादा आज कौन सी खातून तैयार हुई हुई सलमा वलीमा लग रहा है सलमा का वलीमा लग रहा है डॉली भी बहुत अच्छा तैयार हुई है डॉली आप भी आए बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं ये नहीं मगर हैवी ड्रेस किसने पहना सलमा जी ने पाया जी हैवी डॉली डॉली ने ज्यादा मैचिंग भी काफी ज्यादा हो गई है हम दोनों की आपको बीच में लगता है तो ये जो है वलीमा उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही डॉली और सलमा दोनों का वलीमा ये होता है कि बड़े पेस्टल कलर्स पहने जाते हैं लाइट कलर्स पहने जाते हैं लॉन्ग ड्रेसेस पहने जाते हैं साड़ियां पहनी जाती है तो मैंने बस यही सोचा कि क्यों नहीं इस खुशी को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय करूं क्योंकि मैं लड़के वालों की तरफ खड़ी हुई थी तो मेरे घर बहू आई है तो व्हाई नॉट लड़के वालों का इवेंट होता है दुख हो रहा है हां पर नहीं
इन्होंने जो ड्रेस पहना था वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था, बस उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम निकल आई थी, चूहा टूट गया, बाकी चूहा टूट गया था। काला रंग अगर कोई पहन ले जैसे हमारी सामने नजर ना लगे, अच्छा वेरी गुड, लेकिन डांट बड़ी पड़ती है हमारे यहाँ पंजाब साइड पे नहीं पहनते, काला रंग नहीं पहनना बहुत पहनते हैं, लेकिन ये कि यहाँ मना किया जाता है कि प्लीज काले रंग को अवॉइड किया जाए, बिल्कुल प्लेन व्हाइट को अवॉइड करें। लेकिन मैंने स्पेशली इसलिए पहना, मैंने इतनी खूबसूरत सब लग रहे हैं, डॉली हमारी ब्राइड आयशा, सलमा, मारिया, सब सलामकुम, क्या है आप लोग ठीक ठाक है? सहर आप भी आओ, सभी खूबसूरत दिखा रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि डॉली और सलमा आप दोनों जरा सा हमें अपने ड्रेस को थोड़ा कैरी करके चल के सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, और लड़कों को इनका साथ, यहाँ ये मेरे ऊपर क्यों नजर आता है, और लड़कों को इनका साथ देना चाहिए, तो मैं कहूँ की वही आप तुम भी हो एक साइड पे वही एक साइड पे वहा, और ऐसे ही आप दोनों अपनी चलें चलें। जो जो लाइन पसंद आती है उसके साथ हम शुरू होंगे दरमियान में, ऐसे नहीं शोहर से पहले पूछे कहाँ बोल रहे हैं, क्या दरमियान में, चलो अब तुम एक्टर हो सो एक्टर होने का हक अदा करना है, चलो चलो के कल का टाइम रख लेंगे। नहीं नहीं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ अपने शोहर होने का हक मुझ पे ना दिखाना। Oh, very good. ठीक है, फराना शोहर होने का हक मुझ पे ना आजमाइए, तो बची है मैं घबरा गई सामने बैठ, तो मैंने कहा बेटा वो अपना कह रही सी मामे जी, तुसी तो चुप ही कर जाओ ना, आज आखिरी दिन है, अल्लाह ना करे तेनू अल्लाह जिंदगी देवे आपका हमारा यहाँ पे जिंदगी देवे की कह रही। चले मैं तो आज भी पछता रही हूँ कि मैंने तुमसे मोहब्बत क्यों की, क्या ये पछतावा, तुम पछता रही हो ना, मुझे तो पूछो जिधर रोज का 70 रुपए का लोड लग जाता तेरे को। चले साना नहीं संदल अच्छे तरह बोल, वाओ संदल क्या लाइन बोल रही है, बड़ा पिज्जी गुलेरियर का मुंह। अब बोलूं कि नहीं बोलूं, बोले बोले इधर आए, इधर सामने, नहीं नहीं अभी सही आएगी ना, लाइन सही आएगी, बोलेगी चले चले। वेरी गुड जुनेद, कोई लाइन आ रही है, आओ ना यार, और जुनेद जी चल, जुनेद डायलॉग नहीं है था, टोया कटना मेरा पुत्र। ये लो ऐसे जब बंदा गर्लफ्रेंड को इंस्पायर करने वास्ते वॉशिंग मशीन भी चुक लेता है। ओके खुद को इससे ध्यान में मत डालो नहीं तो बहुत पछताओगे। खुद को वेरी गुड बनी, कोई लाइन याद है आए, एक ही लाइन उसने बोली है। अच्छा चलो दो लड़कों की लाइन्स आओ जी, मेरे साथ कौन बली अकेले ही है, बली हमारा फरा जी, हम अपनी एक फरा बहुत प्यारी सी हीरोइन आपको देते हैं, कि फरा ने भी अभी तक लाइन नहीं बोली, चलो चलो सुहा खुद को इस इम्तिहान में मत डालो तुम बहुत पछताओगे। आज के बाद तो मुझे अपना शौहर कहने का हक, क्या था ये लाइन क्या थी? आज के बाद शौहर आज के बाद वाली लाइन हालांकि हो जाता है मगर कहने का हक नहीं। चलो मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है ना, आज के बाद तुम्हें शौहर कहने का हक नहीं है, पता मुझे शौहर कहने का हक नहीं है या बीवी कहने का हक, पता नहीं जो भी है हो गया, डायरेक्टर नहीं था ना मौजूद, आज के बाद मुझे बीवी कहने का हक नहीं है तुम्हें, नहीं नहीं मैंने शौहर कहने का हक नहीं है तुम्हें। सबसे अच्छा डायलॉग बोला है वली ने, वली ने, वली ने संदल की नहीं बात सुन लीजिए फरा सर, कह रही आपका कसूर नहीं है, मियां बीवी वाला एक्सपीरियंस नहीं है ना, ओ अच्छा किस किस को शादी नहीं हुई, शादीशुदा लोग कितने तशरीफ फरमा है यहाँ, मतलब ब्लंडर जो मैंने किया था वो ये था कि मैं यहाँ से गई थी और कराची मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी और मेरी नंद मुझे लेके चली गई थी किसी पार्लर में, उन्होंने
खुद सारा दुल्हन टिपिकल दुल्हन जो होती है वो वाला मेकअप। और मैं जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई, अभी मैंने घरारा पहनना था, दुपट्टा शुपट्टा सेट था, तो मैंने एंटर होते साथ सामने से आसे मारे थे, मैं कहा आसे बाहर जाके इतला देते कि सलमान ने मुंह धो दिया है। जितनी देर में मेरी सास आई भागते, मैंने मांग टीका लगाया और जाके मुंह धोते, मैं सिर्फ प्लेन लिपस्टिक में और हल्के से कॉर्नर बना के हल्का सा ब्लशर में मेकअप कर। फिर भी अलके अलके और उसके बाद मैंने अपनी सास से बड़ी बातें सुनी, उन्होंने कहा 700-800 बंदा आया हुआ है, तुम शर्म नहीं आती। लेकिन ये कि वो मुझे उस पे बड़ी डाबू, मुझे आज भी वो बात सुनने को मिलती है कि उसके बाद ससुराल वालों ने फिर आगे क्या किया, नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ? नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा किसी उसके बाद वाला जो है वो हम आज भी भुगत रहे हैं। आज भी तुम्हारा वलीमा कैसा था? मेरा वलीमा आपके वलीमे से काफी मुख्तलिफ इसलिए था क्योंकि मैं वहां से यहाँ आई थी, तो मैं उदास बहुत थी अपने वलीमे, क्योंकि मुझे टेंशन जब वलीमा हो जाएगा, मम्मी अब्बू लोग जो हैं वो लोग सब फैमिली जो है वो वापस चले जाएंगे। लेकिन ये है कि ब्यूटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो कराची से बुकिंग हो चुकी थी। हाँ, तो मैं अपनी बारात से ज्यादा मैं वलीमे पे बहुत अच्छी लग रही थी और सबने मुझे बहुत एडमायर किया था उस दिन। मैंने डांस भी अपने मियाँ के साथ हम लोग खूब हमने डांस किया था और एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। आज पर आयशा की और नदीम की शादी है, एक बात अब इनको भी डांस का रूप क्यों ना आया है। मैं विदाउट मेकअप थी तो सबने एक बात की थी, दुल्हन बारात पे बिल्कुल नहीं अच्छी थी। हमने कहा था ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये है कि एक अजीब सा रूप होता है, वो अपने घर की खुशी और अपने माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी आप देख रहे होते हैं उसकी खुशी आपके अंदर होती है और आप मुतमईन होते हैं। गेटअप लेना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि चेंज होता है, हर कोई आके ना जज करने की कोशिश करता है दूल्हा दुल्हन को देखे कितने खुश है। एग्जैक्टली वो ये आउट ऑफ 10 कितने खुश है, गिफ्ट कितने सारे मिलते हैं वलीमे में, बहुत मजा आता है। लेकिन लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेशंस जिसमें कि आज आयशा का और नदीम भाई का वलीमा, बल्कि नदीम भाई का वलीमा है दुरुखसती आयशा की निकल। तो आज हम नदीम भाई का वलीमा जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुसंदल क्यों ना आपसे शुरू किया जाए, नदीम भाई ने ऊपर चेक करा। संदल आज प्यारी भी लग रही है, हमारी आंखों का सुकून और चेहरे बहुत अच्छे, वाह वाह। और जिस अंदाज में तुमको कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता, वो तुम्हारे मियाँ का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। एक मैरिड खातून अगर अच्छी तरह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी और अपनी अपने बच्चे को लेके मैं हैरान हूँ, ये सुबह के टाइम कॉल करती है, दोनों को जगाती है, फिर उसके स्कूल से, और मुझे कल इतना प्यार आ रहा था इसके ऊपर कि हम लोग बैठे हुए हैं सारी फ्रेंड्स मिलके और ये अपने बच्चे और हस्बैंड ही ज्यादा स्ट्रेस में डालते हैं। लेकिन मुझे लगता है फैसल भाई ने इतनी खुशी दी हुई कि आप खुल के, फैसल भाई आप ऐसे ही रहिएगा, फैसल भाई आप ऐसे ही रहिएगा, आपने बदलना नहीं है। दुआ करते हैं कि सारी लड़कियों के हस्बैंड ऐसे ही हो। चलो जी सीख लो कुछ। अब फारिया और वहाब, कुछ बहुत ही खास होने वाला है आज। हाल ओहो
जाएंगे, बस इतना टाइम है कि अपनी फैमिली की शादियों में शादियों में भी जाएंगे। मुझे आपने कहा सुबह घर से, मामा हमारे लिए तो कभी तैयार नहीं है, हम कहते रहते हैं आज ये ऐसा क्या हो गया। बहुत खुशी है इतनी जल्दी उठ रही है आप भी तो शाम में होती थी सुबह। मॉर्निंग शो में आने से ना आपकी रूटीन अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, जल्दी उठ जाते हैं। जब रूटीन अच्छी हुई है तब ये अब वाइंड अप हो गई है शादी, तो रूटीन सेट हो गई है। बहुत बड़ा ऑनर कहना चाहूंगी क्योंकि थैंक यू सो मच, हम लोग आए यहाँ पर, ये शादी में आपने इन्वॉल्व किया, लेकिन मैंने सिर्फ बाहर से देखा था, कराची बैठ के आपको देखती थी। आप खुद तो जितने प्यारे हो, आपकी सारी टीम बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी एक बात कहूंगी, इनको देखिए चुलबुला सा, इन्होंने अभी आपको करके दिखाया, फारह के चेहरे पे इतनी मासूमियत है, अब आप सिंपली बहुत अच्छे। ये नाम बहुत बड़ा है पीछे से ही, लेकिन ये कि इनकी हर चीज में, उठान में, गाने में, नाचने में, मैं हैरान हूँ, मैं वाकई आके हैरान हूँ। जुनेद को देख के, मारे से मेरी पहली मुलाकात है, हम इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन मैं वाकई देख रही हूँ, मेरा दिल आके लाहौर में बहुत नहीं। अच्छा मैं भी पूरी बात, अभी हमें भी मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए, कराची वाले यहाँ भी आएंगे, आए आए आए, आप भी आए, हमारी आप भी आए, सिंगल आप भी आए, नहीं नहीं आए आए, आधी आधी हो गई हो ना, आ जाओ लौर 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 लौर। एक चीज जो मुझे यहाँ आके तोहफा मिला है, मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने सारे व्यूअर्स के साथ, और वो है मेरी बहुत प्यारी दोस्त, जिसको मैंने कभी ना इसने कभी सोचा था, पिछड़े में दोस्त है, लेकिन डॉली पिछड़ी कहाँ थी, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स थे, कॉलेज इकट्ठा था हमारा सारा, और अचानक एक सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे देखकर हैरान है, लेकिन ये कि मैं आप लोगों के सामने जैसे, लेकिन डॉली सीरियसली बहुत मासूम थी, वो डरी चुपी थी बच्ची वहाँ के पीछे, लेकिन ये कहता हूँ काम देख के मैं बहुत हैरान हूँ। ये लोग हैं, ये तो पैदा ही यहाँ पर हुए, लेकिन हम लोग प्योर कराची के हैं, तो हम कह सकते दोनों लॉर्ड लॉर्ड हैं। क्या बात है, ऐसे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे हैं वापस। डांस कर रहा होता है ना उस गाने पे, एक्टर इन लॉ, वो इसका अपना गाया हुआ गाना है, और शहर में कौन सी फिल्म का गाना गाया, और कौन सा वाला गाना है, दिल बेसबरा जो आप गाना सुनते हैं फिल्म मान जाओ का, वो शहर ने गाया हुआ है, और वली तो माशाल्लाह कमाल सिंगर है। चले ये देखें, हाँ हाँ दोबारा भी करी अच्छा, नशा अच्छा, मर भी कैसा कमांडो वर्गा भांड रख लिया मैं, असि व्याहवां ते कट्टा जाना, सारी रोटी ते खा जांदा है, इहो जिहा बंदा अठ रोटियां खा के कहना रोटी मैनू मना, हुण चौल लिया दिओ, ओ एक भी करी दा किड्डा मूंह है ते ब्रूर नहीं हो रहा, जिड्डा मूंह है ना तैनू चाहिए गर्मियां च ते जम्मू पा के बेच, हा 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 बच्चों यार लग रहे हैं बितानी है, मैं क्या पंडा हर वेले इंजरी करी जब मैं मारना उदो किड्डा नॉन कमर्शियल भंड लग गया मैं, मैं क्या पंडा अज व्याह नदीम भाई दा ते आशा बाजी दा, किड्डे किड्डे वड्डे स्टार आए ने, सदके जावा पाकिस्तान दा इक्को ही नाम वली, पर ज़ेनी गुरबत जराबा ही नहीं लईयां, सदके जावा मैं क्या पंडा सदके जावा, कराची तो भी मेहमान आए ने, अच्छा फरा जी नु देख लो जिवें पेंडू बर्फी हुंदी है, क्या कहने सदके जावा, आओ वेख साडी संदल भी आई है, अच्छा संदल वेख माशाल्लाह दिन ब दिन सोहनी हुंदी जा रही है, अच्छा, खांदी कुछ नहीं, अच्छा, सिर्फ जूस पींदी हूं, अच्छा, वो भी धागा प्यो के क्या कहने डोली डोली नु मैं कुछ नहीं कहना, मुड़ के सुते पे खाबा चाहती हूं, दुल्हन तो वैसे नहीं कहना व्याह है, इस पासे आ पंडा इधर ते प्रौने रह गए ने, सलमा भाजी मैं तानू कुछ नहीं कहना, माशाल्लाह कादी एडा ऊंट की छोटी भैन होंगी पंडा, दूजा 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 कितना ढीठ जिहा भंड मैनू मिल गया, अगों कुछ कही भी हुंदा है, फारिया देखो माशाल्लाह सोहनी खूबसूरत चिट्टी गोरी मेदे का शौरमा हुंदा है,
कैसे हो वहाब? ठीक हो? वहाब नु मैं कुछ नहीं कहना। क्यों? इन्ना ही कहना, बहुत प्यारे लग रहे। फराना जी अदाब पेश कर। फराना वैसे माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। अच्छा। एहो जी कुड़ी पढ़े लिखे तरीके ना कह रही थी, मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने भी फिर उसका चाटा पूटा। दिन ब दिन मोटी हुई जा रही है, इंज लग रहा है लंगर तो नान टके। टाइम घट है, पंड जिन्ना को भी आए थानू कैसे लगे फरा जी? है आखिरी रही आखिरी जिदी तेरी सेहत है ना, ए नहीं बनता, ए बनता अगे लागो, अगे लागो, चल अगे लागो। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं बहुत जबरदस्त। थैंक यू जुनैद, आप तो भंड नहीं है, आप भी नहीं है। आप भी नहीं है। एडे पढ़े लिखे तरीके ना लाना। क्या ख्याल है फरा, ये तो पूछ अपने बारे में, क्या अपने बारे में क्या? मारिया को सब गुस्सा चढ़ाया आप, मैं अपने आप नु करनी? मेनू वेख लो छिलिया खरबूजा होंदा, ओए हाथ सीधा कर, मैं जुगत कीती। और जुनैद, जुनैद को मैंने कुछ नहीं कहना, ये टार्जन है मेरा भाई, ये टार्जन है, लेकिन लवली पर्सन जुनैद, इतना अच्छा इंसान है कि सच अ कोऑपरेटिव पर्सन। हमने जब जब जुनैद को बुलाया, जैसे जैसे जुनैद को कहा है, जुनैद ने हमेशा कोऑपरेट किया। जुनैद इतना अच्छा सिंगर है, उससे बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा बहुत अच्छा इंसान। मैं कहा जुनैद वर्ग का बंदा सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के टू पीस पा के बीवी को कहता है एक्सक्यूज मी 60 रुपए टूटे होंगे।